असुर या गॉड, ये जब आप इस फिल्म को देखोगे तो आपके जहन में भी ये सब चीज चलेगी। खैर हम लोग बात करें इस फिल्म की, इस फिल्म का नाम है द रिचुअल। ये एक सुपर नेचुरल हॉरर फिल्म है, ये बेस्ड एक नॉवल पे। ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पे मिलेगी। उसके अलावा मैं कोशिश करूंगा, अगर मुझे कोई डाउनलोडिंग साइट पे ये मूवी दिखती है तो मैं डिस्क्रिप्शन में इस मूवी का लिंक जरूर दूंगा। खैर बात करते इस मूवी की, तो मूवी की कहानी शुरू होती है पांच दोस्तों से जो फिर से रीयूनाइट होते हैं कॉलेज के बाद, और वो डिसाइड करते हैं एक हॉलीडे पे जाने का। लेकिन तभी उन लोगों के साथ एक इंसिडेंट होता है, पांच में से एक दोस्त मारा जाता है। अब उसके बाद इस सिचुएशन को तकरीबन छह महीने हो चुके। अब छह महीने के बाद बचे हुए चार दोस्त हॉलीडे पे जाते हैं नॉर्थन स्वीडन के एक फॉरेस्ट में। अब वहां जाने के बाद उनकी लाइफ किस तरह से बदलती है, बेसिकली यही इस पूरी मूवी की कहानी है। अब बात करें इस मूवी में पर्सनली मुझे क्या कुछ अच्छा लगा, तो देखिए इस मूवी की जो सबसे मेन बात है वो ये है कि ये टिपिकल हॉरर मूवी नहीं, जहाँ पर आपको जैसे ही भूत की एंट्री होने वाली होती है तो अचानक से लाइट ऑन ऑफ होना शुरू कर देती है, या फिर टेबल पे रखी हुई चीजें हिलने लगती है, या तो वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें होती है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। यहाँ पर नॉर्स माइथोलॉजी प्लस हॉरर को मिला के एक जबरदस्त कहानी बनाई गई है, और यही वजह है कि इसका मैं यहाँ पर रिव्यू कर रहा हूँ। अब मुझे डेफिनेटली पता है कि ये मूवी आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। उसके अलावा इस मूवी की जो अच्छी बात है वो ये है कि यहाँ पर जितने भी कैरेक्टर्स है वो लोग यहाँ पर सिली मिस्टेक करते हुए आपको नजर नहीं आते। अक्सर आप किसी भी हॉरर फिल्म में देखोगे तो जितने भी आपको मेन कैरेक्टर्स देखने मिलेंगे वो कुछ ऐसी चूतियागिरी करते हैं जो एक्चुअली रियल लाइफ में कोई करेगा नहीं, और रियल लाइफ में इस तरीके की सिचुएशन होती भी नहीं है। और अगर होगी भी तो वो करते नहीं, लेकिन वो फिल्म को थोड़ा रोमांचक करने के लिए लोग सब करते हैं। लेकिन यहाँ पर कोई भी कैरेक्टर आपको कुछ भी बेवकूफी करते हुए नजर नहीं आता, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है। और ये फिल्म इतनी इंटेंस और इतनी जबरदस्त तरीके बनाई गई कि स्टार्ट से एंड तक आप ये फिल्म पूरी तरह से एंजॉय करते हो। इसके अलावा इस फिल्म के जो मेकर्स हैं वो फर्स्ट सीन से अपने माइंड को एकदम क्लियर कर रखे थे कि हमको ऑडियंस को बताना है क्या, और फर्स्ट सीन से वो लोग वही चीज बता रहे जो एक्चुअली दिखाना चाहिए। यहाँ पर कुछ भी आपको फालतू के सीन या कुछ भी ऐसे सीन देखने को नहीं मिलेंगे जो फिल्म से रिलेटेड नहीं है। और उसके अलावा अगर मैं कैरेक्टर्स की बात करूं तो हाँ, यहाँ पर वीक पॉइंट ये है कि भाई यहाँ पर कोई भी कैरेक्टर को इतनी अच्छी तरह से डेवलप नहीं किया गया, तो इसीलिए आप किसी भी कैरेक्टर से इतना इमोशनली कनेक्ट नहीं होते। सिर्फ एक ही कैरेक्टर जो कि हमारी इस फिल्म का मेन कैरेक्टर वो है ल्यूक, अब ल्यूक से भी आप लोग इसीलिए कनेक्ट होते क्योंकि ल्यूक की पर्सनल चीजों के बारे में भी यहाँ पर बताया गया। अब वो पर्सनल चीजें क्या है वो तो इस फिल्म से ही रिलेटेड है, तो आप जब फिल्म देखो तो आप समझ जाओगे, इसलिए कहीं ना कहीं आप थोड़ा बहुत ल्यूक से कनेक्ट होते हो। और उसके अलावा अगर मैं डरावने सीन्स की बात करूं तो इस फिल्म में डरावने सीन्स है, और कुछ कुछ सीन्स देख के तो मुझे वाकई में डर लगा। और एक मोमेंट ऐसा था इस फिल्म में जहां पर मुझे भी डर महसूस होता, क्योंकि आप स्टार्टिंग से अगर किसी फिल्म को देख रहे हो एकदम ध्यान से देखो तो आप कहीं ना कहीं उस फिल्म का हिस्सा बन जाते हो, और ऐसा मेरे साथ हुआ जब मैं इस फिल्म को देख रहा था। और वो मोमेंट में एक डर मुझे भी महसूस हो रहा था जो कि मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि ऐसा होना भी चाहिए। अगर आप किसी फिल्म को देख रहे हो तो आप उस चीजों को महसूस करो, उसको बोलते हैं फिल्म। इस मूवी की अगर बीजीएम की बात करो तो वाकई में कहना पड़ेगा बीजीएम इस मूवी का बहुत अच्छा। और उसके अलावा लोकेशंस की बात करूं तो पूरा स्वीडन का जो फॉरेस्ट जो पूरा फिल्म में बताया यार, इतना खतरनाक इतना डरावना इस फिल्म में बताया कि मैं आपको बयां भी नहीं कर सकता। और लिटरली वो फॉरेस्ट के सीन्स को देख के रोंगटे खड़े होते। उसके अलावा यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीजें बताई है जो काफी हद तक डरावनी थी। फिल्म के डायरेक्शन की बात करूं तो डायरेक्शन बहुत अच्छा है, लेकिन एक नेगेटिविटी है जो फिल्म की जो मुझे बहुत ही खटक रही थी, और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों को वो महसूस होगा, वो था इसके एंडिंग को बहुत ही अच्छी तरह से लोग शूट कर सकते थे या तो फिर बहुत कुछ वहां पर बता सकते थे, लेकिन ऐसा लगता है कि एंड में बहुत ही हड़बड़ी हो गई या तो फिर बहुत ही आसानी से सारी चीजें हो गई, जो कि मुझे पर्सनली थोड़ा सा अजीब लग रहा था। क्योंकि ऐसे फिल्म को इतनी अच्छी तरह से इतने इंटेंस इतनी क्रीपीनेस में बनाया जा रहा है, लेकिन एंड आते आते फिल्म में जो चीजें बताई गई है वो मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी। लेकिन फिर भी ये मूवी ओवरऑल आप लोग जरूर देखना। इस मूवी को अगर मैं रेटिंग दूंगा तो मैं इस मूवी को मैं 8/10 दूंगा। अगर आप लोगों ने इस मूवी को देख चुके हो तो आप लोगों का क्या ओपिनियन है ये मुझे आप जरूर कमेंट सेक्शन में शेयर करना। तो बस इस वीडियो में इतना, मैं मिलूंगा आपसे कल किसी नए वीडियो में। टिल देन।